ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. ڈٹھ ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشق اصلی چور ڈٹھا. کہہ دے سبحان اللہ. ڈٹھ ورک قرآن دے پھول سرے پر تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے او پیندا رات دن ایو شور ڈٹا او آزم اللہ والے نے گل مکا چھڈی کہ تساں ہور ڈٹا اساں ہور ڈٹا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی چاہت میں رہنے والے مستانوں، جو آج کا ہمارا موضوع وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی شان و عظمت و مقام و رفعت کو بیان کرنا اور سننا اور ان کے ساتھ اپنی قلبی محبت کو بڑھانا ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. کیونکہ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہے. 13 رجب المرجب کو داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا داماد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خاوند شوہر سرتاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
13 रजब को बैतुल्ला शरीफ में पैदा हुए। तो वक्त तो जो है वो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो इसमें जितना ज्यादा हो सके बात कर लें। तो एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा दीवाना, ये प्यारा दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जो है मस्जिद में या के बैतुल्ला के सहन में आप तशरीफ फरमा है और बैठकर इबादत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो बाहर जो है वो कुछ लोग जमा हैं और वो इकट्ठे होकर आपस में तमस्कर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इतने में एक शख्स आता है और आकर उस ग्रोह वालों से पूछता है, मांगता है, सवाल करता है कि आप मुझे जो है वो कुछ खाने के लिए दे दें या कुछ जो है वो मेरी हाजत को पूरा कर दें, यानी कि मुझे कुछ दिरहम दिनार की ज़रूरत है या कुछ पैसों की ज़रूरत है वो मुझे दे दें ताकि मैं उससे खाना खरीद लूँगा या कपड़ा खरीद लूँगा या सफ़र में मेरे काम आ जाएगा। जब उनसे उसने पूछा, सवाल किया, वो आगे से जो है वो मजाक करने लगे और कहा, अब देखते हैं इसे अली के पास भेजते हैं और अली इबादत कर रहा है, जब अली इसे वापस भेजेगा, वापस लौटाएगा, अली के पास कुछ होगा नहीं देने के लिए, तो जब ये वापस लौटेगा तो हम अली पर मजाक करेंगे कि अल्लाह के नबी ने इसे शान शाह वलायत अता की है, अल्लाह के नबी ने इसे अपना जो है दारुल हिकमत का दरवाज़ा करार दिया है, अपने जो है वो शहर का, इलम के शहर का दरवाज़ा करार दिया है, पर अली के पास तो कुछ नहीं है, अली तो सखी है, सखावत के अंबार हैं इसके नाम में, तो फिर अली देता क्या है? जब खाली आएगा तो हम जो है वो फिर तमस्खर उड़ाएंगे, हम मजाक कर लेंगे, हमें मौका मिल जाएगा बात करने का। आज हम भी चाहते हैं, हम देखते हैं कि हमें जो है कोई मौका मिल जाए किसी पर बात करने का, तो हम जो है वो उसको, उस मौके को छोड़े नहीं, बल्कि फौरन उस मौके के ऊपर जो है वो उस पर बात जो है वो कर दें कि हाँ भाई ये बात ऐसी है। तो ये जो है मौका पाना बात करने का और इसी बात जो है वो जांच पड़ताल में रहना, ये मुसलमानों का, ईमान वालों का काम नहीं था और ना ही है, जो मुनाफिकों का काम था। अब उन्होंने देखा चलो मौका मिल जाएगा, क्यों ना हो इसी साहिल को अली के पास भेजते हैं, अली के पास तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इबादत कर रहे हैं, यहाँ पर इसके पास क्या होगा, लिहाजा जब ये खाली लौटेगा तो हम कहेंगे अली कैसा है कि तुझे नबी ने कहा कि सखावत बेबहा है अली की, तेरे चर्चे सुने से सखावत के, पर तू तो कुछ दे ही नहीं सकता। अब उस शख्स को जब कहा, उस शख्स को नहीं पता था कि अली कौन है, या वो इबादत करने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, वो सजदा सुजूद करने वाला, सामने बैठा शख्स कौन है, ये तो नहीं पता कि सब कुछ ही उसी के हाथों में है। वो शख्स करीब आता है और करीब आकर अपनी हाजत गुजारी पेश करता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, कि ऐ नौजवान, जिस अंदाज में भी उसने बात की कि मुझे जो है वो कुछ हाजत है, मुझे जो है कुछ दिरहम व दिनार की ज़रूरत है, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, लिहाजा अगर मेरी मदद कर ली जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में आपके लिए जो है वो सुरखरू होने की दुआ करूँगा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो पीछे बैठे हुए लोगों का तमस्कर, लोग जो आपस में कर रहे थे उनको देखा, फिर अली ने फरमाया, करीबा परेशान ना हो, गम ना कर, कि तू, ये हो सकता है कि तू मेरे पास आए और खाली चला जाए, और ये बारगाह तो वो बारगाह है जिसके नन्ने नन्ने शहजादे जो है वो एक एक नहीं सात सात बेटे अता करके भेज देते हैं, ये तो वो बारगाह है, तू परेशान खड़ा है,
और तू दिरहम दिनार के बारे में सोच रहा है, मेरे तो शहजादा इमाम हसन कहे के एक, हुसैन कहे दो, वो तीन, वो चार, तो जब सात कहे तो वो कहे कि बस मुझे सात ही बहुत है। सखावत की तू क्या कहने, तू ये कहता है, तू देख रहा है दिरहम दिनार के बारे में। और मेरा नौकर जब मेरे पास आए कह ली आका वो मांगने वाला आया है, फरमाया ऐसे कर जो खाना पड़ा है वो दे दे। वो नौकर कहता है कि अली वो खाना जो है वो नीचे नहीं बल्कि कचावों पर पड़ा है, फरमाया साथ कचावे भी दे दे। अर्ज करता है वो नौकर आका वो कचावे जो है वो ऊंटों पर है, ऊंट के ऊपर है, फरमाया वो ऊंट ही दे दे। अर्ज की हुजूर वो ऊंट जो है ऊंटों की कतार में है, तो फरमाया वो ऊंटों की कतार ही इसे दे दे। तो जिसका नौकर जो है वो एक खाना मांगने वाले को जो है वो ऊंटों की कतार अता कर दे, उसके शहनशाह उसके आका का मकाम क्या होगा। अब बात पे आते हैं, आप फरमाते हैं करीब आ, करीब आया, आपने कहा अपना हाथ खोल, अपना हाथ खोला तो हजरत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम ने सरकार की जात पर दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ के उसकी खाली हथेली पर फूंक मारी और फिर फरमाया अब इस हथेली को बंद कर दे और यकीन कर ले, फिर वहां पर जाकर जो है ये तूने खोलनी है, उससे पहले नहीं खोलना। तो वो शख्स कहता है अजीब बात है, अकेली फूंक मारी है, हाथ में कुछ रखा नहीं है और हुक्म दिया है वहां जाकर खोलना है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा सफर है, पता चल जाता है अभी। कहा अच्छा, चला गया। जब सामने लोग जो काफिर बैठे थे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चीमंगोज जो है वो शुरू हो गई। कहते हैं कि ऐसा हो कि ये देखो आ रहा है, हजरत अली ने अपनी जेबों में हाथ नहीं डाला, किसी से कुछ मंगवाया नहीं है, लगता है खाली आ रहा है, लिहाजा हमारा जो है वो मजाक बनना जो है वो शुरू हो जाएगा, अभी हम मजाक जो है वो करेंगे। जब वो करीब आता है और उनसे जो है वो कहता है कि देखो तुमने तो मुझे इतना गुरोह होने के बावजूद खाली लुटाया था, जिसकी बारगाह में गया हूं उसने मेरे हाथ को भर के भेजा है। वहां पर जब हाथ खोला तो दिनारों से वो मुट्ठी जो है वो भरी हुई निकली। और फिर ये लिखने वाले जो हैं ये भी कोई आम शख्सियत नहीं है, जिन्होंने ये वाकया लिखा है ये भी कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि अल्लाह का वली है। और आपकी सरजमीन पाकिस्तान, आपके मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो गंजे बख्श यानी कि पाक पतन शरीफ के रहने वाले हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये आपने अपनी किताब रहतुल कुलूब में ये लिखा है कि फिर अली की ये करामत जब उस शख्स ने देखी और बाकियों ने देखी, उनमें से कई जो है जिनके दिलों में ईमान की रोशन जो है वो शम्मा जो है वो चल पड़ी, वो उसी वक्त अली की बारगाह में आ जाते हैं कि अली हमारी तो सोच और थी पर तूने नवाजा कुछ और तरह है, लिहाजा जिस तरह इसे दिरहम दिनार देकर इसकी दुनिया को संवार दिया है, इसी तरह हम चाहते हैं कि हमें कलमा पढ़ाकर हमारी दुनिया को भी, कब्र को भी और हशर को भी संवार दे दिए। ये था दुरूद शरीफ, उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा और उसे जो है वो अता फरमा दिया, लंगर उसे अता फरमा दिया। तो बाबा जी वकार बात कर रहे थे कि हजरत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम की विलादत बासआदत बैतुल्लाह शरीफ में हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाशमी घराने से हैं, आपके जो है कुनियत अबू तुराब अबुल हसन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको ख़ास निस्बत है। 6 साल के उम्र से लेकर आखिर वक्त तक यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी तक आप सरकार अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं, यानी कि बचपन में आप अलैहिस्सलाम ने ही इनकी कफालत की है, इनकी परवरिश की है। हजरत अली सरकार की बारगाह में रहे हैं
और बच्चों में भी सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा फलां का भाई है, फलां सहाबा फलां का भाई है, सभी को सरकार अलैहिस्सलाम ने भाई भाई बना दिया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई तो आपने बताया नहीं है कि मेरा भाई कौन है। तो सरकार ने फरमाया, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और क़यामत के दिन हशर में जन्नत में भी तू मेरा ही भाई रहेगा। ये वो अली हैं। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं तो सरकार के सलाम फरमाते हैं, अली हिजरत का हुक्म हो गया है, लिहाजा आज रात तूने हमारे बिस्तर पर रहना है, हमारे बिस्तर पर सोना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रात सरकार अलैहि सलाम के बिस्तर पर सोते हैं, सारी रात सोते हैं। काफिर जो है वो बाहर खड़े हैं, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। पर जब देखते क्या है कि जब सुबह हो जाती है, सूरज की किरणें जो है वो हर तरफ जो है फैल रही है, देखा बिस्तर को उठाया, देखा क्या कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए हुए हैं। बड़े हैरान हुए, पूछा, अली तू कैसे? आपने फरमाया कि तुम किस लिए खड़े थे, पहरा दे रहे थे, तो तुम्हें पता कि मैं कैसे यहाँ पर हूँ और मेरे आका कहाँ है? बड़े वो परेशान हुए। तो फिर हजरत अली से किसी ने पूछा कि ऐ अली तू उस बिस्तर पर कैसे सोया कि जब तुझे पता था कि काफिर जो है वो उस बिस्तर पर हमला करने वाले हैं और तू सोया रहा, क्या तुझे खौफ डर नहीं आया? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं लोगों कि सारी ज़िंदगी जब तक मेरी ज़िंदगी जो मेरी गुजर गई है, और हो सकता है जो गुजर जाए, इसमें कोई ऐसी रात दोबारा आएगी नहीं जो रात मुझे ये मुयस्सर हुई है सुकून की। मैं तो सुकून के साथ सोया रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया था कि अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह जब होगी तो कुफार की अमानतें लुटाकर मेरे पास वापस आ जाना। मुझे पता था कि मेरे आका का कौल सच्चा होगा। अब आप इसी वक़ार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस प्यारे दामाद के क्या कहने कि जिनकी शान व अज़मत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमाया कि मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीउल मौला, कि लोगों को जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ठीक है, अगर इनके जो है वो करामात की बात करते रहें तो कई जुमे जो है वो गुजर जाएंगे, इनकी शान व अज़मत ख़त्म नहीं होगी। तो हमारा वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अभी बात जो है वो शुरू ही की है पर टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। आखिरी बात भी सुन लीजिए कि एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इलम का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, अली उसका दरवाज़ा है। तो कई जो है वो उसमें परेशान हुए जो ईमान वाले नहीं थे। हमेशा ईमान वाले तो जो है वो खुश होते हैं कि सरकार ने ये एजाज फरमाया है। तो कई परेशान हुए, उन्होंने फिर आकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इम्तिहान लेना शुरू किया। उन्होंने तरह तरह के सवाल किए, फिर हजरत अली ने उन्हें जवाब अता फरमाए। पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलम के क्या कहने, उनकी शान अज़मत के क्या कहने कि सरकार ने हजरत अली के बारे में फरमाया कि ऐ अली तेरी मिसाल उस तरह है कि जिस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे उन्होंने इस कदर मोहब्बत की कि उन्हें वो कह दिया जो वो नहीं थे, वो भी जो है वो अज़ाब नार के हकदार ठहरे, और कुछ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बुग्ज़ में इस कदर आगे निकल गए कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा दी कि ये बच्चा तेरा नहीं है, ये फला है फला है। तो लिहाजा फरमाया वो यहूदी जिन्होंने तोहमत लगाई बुग्ज़ो अना की वजह से,
वो भी जहन्नम के हकदार ठहरे, और जिन्होंने ये कहा कि वो भी जहन्नम के हकदार ठहरे। फरमाया अली तेरे से मोहब्बत करने वाले कुछ इस कदर आगे बढ़ जाएंगे कि तुझे वो कह देंगे जो तू नहीं है, जिस तरह कुछ कहते हैं माज़ अल्लाह कि हज़रत अली को खुदा बना देते हैं, कभी कहते हैं कि हज़रत अली जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर है, कभी कुछ। तो फिर फरमाया उनका हाल यही है, और कुछ बुग्ज़ व अना की वजह से, जैसे कि खारजी हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बुग्ज़ में आकर जो है वो उनके खिलाफ कितनी बातें करके चले जाते हैं। फरमाया वो भी इसी तरह जो है वो जहन्नम के हकदार होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक भाई का ऐलान सुनाद फरमा लीजिए कि ये भाई हमारे पास आए हैं, ये 138 टेन आर के रिहायशी हैं, और पहले ये मदरसे की जो है वो खादिम थे, खिदमत कर रहे थे, तो कोई मुआवजा नहीं रहते थे। तो आप बता रहे हैं कि इनकी वालदा जो है काफ़ी बीमार थी, फिर उसके इलाज में जो है वो इन्होंने काफ़ी कर्ज उठा कर दिया है जो है वो लगाया है, तो अब ये मकरूज़ हैं भाई, इनकी वालदा भी वफात पा चुकी है, तो आपसे जो कुछ हो सके जितना हो सके जो है वो अपन तावन करें और दारा इनकी सहायता हासिल करें।